अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज हम आए हैं 76 मंजिल घूमने और इसके पीछे देखिए कितना खूबसूरत है, सब बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर। तो चलिए घूमते हैं। जैसे ही 76 मंजिल के गेट की एंट्री हम लेते हैं, वैसे ही ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग बना हुआ है। गोमती नदी के किनारे बनी इस 76 मंजिल को 1781 में बनाया गया था। बड़ी 76 मंजिल को फ्रांसीसी जर्नल क्लाउड माउंटेन ने 1781 में बनाया और सन 1800 में नवाब सादत अली खान ने इसे पैलेस को ख़रीद लिया था और बाद में नवाब वाजिद अली शाह अपनी फैमिली के साथ 76 मंजिल में रहे थे। अभी 76 मंजिल में रेनोवेशन का काम चल रहा है और रेनोवेशन से पहले यहाँ पर लैब हुआ करती थी, यानी CDRI की बिल्डिंग थी, CDRI का ऑफिस था। CDRI मतलब द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इस एरिया में बायोमेडिकल रिसर्च होता था। 76 मंजिल का कुछ हिस्सा नवाब गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा बनवाया गया था। 1856 में लखनऊ के आखिरी नवाब को जब निकाल दिया गया तो उसके बाद 1858 में अंग्रेज़ों ने 76 मंजिल को अपने अंडर ले लिया था। 76 मंजिल इंडो यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई है। इस बिल्डिंग को देखकर नवाबों की शान और शौकत का पता चलता है। अभी तो यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। अच्छा, रेनोवेशन का मतलब जैसी पुरानी इमारत है उसी तरह बनाना, उसी सामान से बनाना, जैसे चूना मिट्टी राखी से बनाना, ना कि सीमेंट से बनाना। अगर कहीं रेनोवेशन का काम चल रहा है और वहाँ सीमेंट से बना है तो इसका मतलब है वो सही से रेनोवेशन नहीं हो रहा है। लखनऊ में 76 मंजिल बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग है और जब से यहाँ पर बायोमेडिकल के क्लासेस यानी इंस्टीट्यूट बना, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड में आज भी ये बताता है कि यहाँ पर एक क्लासरूम हुआ करता था जो अभी काफ़ी साल से सब बंद है क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। और देखिए ये सब लकड़ी का जितना भी काम है कितना खूबसूरत है। और ये वेंटिलेटर हैं क्योंकि तब लाइट और तो होती नहीं थी, तो हवा के लिए और रोशनी के लिए इस तरह के वेंटिलेटर बने हुए हैं। और ये सब तो पूरी लैब में एकदम कन्वर्ट कर दिया गया था। फॉल सीलिंग वगैरह हटाई जा रही है। इसकी छत पर भी ये देखिए यहाँ पर वेंटिलेटर है। तो अभी हम 76 मंजिल के मेन हॉल में हैं जो अब तो ये खाली हो गया है फिलहाल, लेकिन पहले ये लैब हुआ करता था यहाँ पर, वनस्पति विज्ञान का लैब। और अब देखिए बहुत बुरी हालत हो गई है, जिसको पुरातत्व विभाग ने ऑक्यूपाई कर लिया है फिर से बनाने के लिए। Oh, oh, oh.
आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।